ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੀ ਖੂਹ ਲਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਔਰ ਹਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं जी अमृतसर की बड़ी फेमस लोकेशन पर, जो कि एरिया पड़ता है मार रोड पर कंपनी बाग के बिल्कुल सामने ठंडी खोई। तो वहाँ के जो है बड़े ही फेमस है जी अपने छोले कुलचे वाले, और जो हम आज इनका जो स्पेशली है वो है हम चावल छोले खाने आए हैं। चावल छोले इनके बड़े ही ज़्यादा फेमस है, बड़े दूर दूर से लोग आकर इनके चावल छोले जो है खा के जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से बासमती चावल लेते हैं और अपने जो चने होते हैं स्पेशल जो अमृतसरी ऑथेंटिक चने होते हैं वो डाल के देते हैं, साथ में सैलड होता है, खट्टा वगैरह होता है। बाकी करेंगे भैया से बात, उससे पहले लोकेशन चेक कीजिए। हमने आप सबसे पहले देख लीजिए कंपनी बाग का एंट्रेंस गेट है, बिल्कुल इसके गेट के सामने बिल्कुल ये अपना जो है शाबा लगाते हैं और बड़े ही फेमस हैं ये अपने ठंडी खुई वाले चावल छोले। तो चलिए गाइस करते हैं भैया से बात, उनसे पूछते हैं जी कितने साल हो गए और क्या क्या वैरायटी रखी हुई है इन्होंने। तो भैया टोटल कितना टाइम हो गया आपको? 50 साल से ऊपर है सर। 50 साल से ऊपर हो गया आपको? और क्या क्या बनाते हो आप? कुलचे छोले, मट्टी छोले, चावल छोले, पिज्जा कुलचा। अच्छा, ये सब मिलता है आपके पास से? और बेसिकली हम जो आपके चावल चने छोले हैं वो ट्राई करने आए हैं दोस्त। तो सर कुछ बताइए, चने वगैरह कैसे तैयार करते हो? चने वगैरह उबाल के नमक नून मिर्च मसाला अपनी कंपनी बाग ठंडी खुई माल रोड के पास। अच्छा, कंपनी बाग के बिल्कुल सामने ठंडी खुई है, वहाँ पर आप लगाते हो। तो भैया कितने बजे आ जाते हो? सुबह 8 बजे आते हो। अच्छा, 8 बजे आते हो, और छुट्टी होती कोई? छुट्टी बहुत कम। ठीक है जी। और जो चावल लेके आते हो कौन से चावल होते हैं आपके? बासमती। अच्छा, बासमती होते हैं। तो ठीक है जी, देखते हैं दोस्तों और क्या क्या बनाएंगे। दोस्तों ये है इनके ऑथेंटिक अमृतसरी चने, वाकई में बड़ी एक नंबर की खुशबू आ रही है। थोड़ा सर बता दीजिए कैसे तैयार होते हैं ये अमृतसरी चने? चने सर सुबह उबाल लेते हैं। अच्छा, इसको पहले तो आपको इसको भिगोते होंगे चने को? भिगो देते हैं रात को। और चने का साइज कौन सा होता है आपका? ये डालर होता है। डालर होता है। अच्छा, रात को भिगो दिए, सुबह उबाल लिए, और नमक नून मिर्च मसाला और तड़का वगैरह कुछ? अच्छा, इसमें तड़का वगैरह कुछ नहीं हो। थोड़ा एक बार हिला के दिखाना है, बड़ा ही अच्छा टेक्सचर है जी, देखिए कितने बढ़िया गाढ़े गाढ़े। और मिर्च वगैरह बराबर होती है आपकी? ज़्यादा नहीं होती, मतलब बच्चा भी खा सकता है आराम से? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो भैया और क्या क्या रखा हुआ आपने? चावल है, मट्टी है, कुलचा है। अच्छा, ये अमृतसरी कुलचे भी रखे हुए हैं दोस्तों इन्होंने, और ये इनके चावल हैं, ये मट्टी भी रखी हुई है, ये कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, और ये मिर्च ऊपर रखी हुई है। सैलड में आजकल क्या दे रहे हो भैया? आजकल मूली, गाजर। अच्छा, मूली रखी हुई है, गाजर वगैरह भी रखी हुई है। तो ये अपना पुदीने वाला जो खट्टा भी रखा हुआ है ना आपने? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बड़े ही फेमस है, वैसे ही बड़े फेमस है। तो ठीक है भैया, लगवाते हैं आपसे चावल चने। तो दोस्तों करवाते हैं जी अपने चावल छोले की जो प्लेट तैयार। तो भैया सबसे पहले कर दो जी तैयार हमारे लिए चावल छोले। तो पहले जी प्लेट में आएंगे चावल हमारे। तो भैया ये बासमती चावल है ना? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और काफ़ी अच्छे अच्छे खिले खुले जो चावल भैया ने तैयार किए। ऊपर आ गए हमारे चने, देखिए दोस्तों कितनी टेम्पटिंग प्लेट तैयार कर दी है। ऊपर हरी मिर्च आ गई है और खट्टा आ गया इमली का। इसमें इमली में और भी कुछ डालते हो भैया? अच्छा, खाली इमली होती है ये, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ऊपर आजकल जैसे मूली चल रही है, गाजर भी चल रही है, वो भी भैया ने डाल दी है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो सर गर्मियों में जैसे प्याज वगैरह डालते हो आप? ठीक है जी, ठीक है। तो क्या कॉस्ट रखी जी आपने? 30 रुपये। ओनली 30 रुपये? क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों होगी तैयार हमारी चावल छोले की प्लेट, अब करते हैं ट्राई, फिर बताते हैं। तो दोस्तों प्लेट कर दी भैया ने तैयार, तो 30 रुपये की प्लेट है जी। काफ़ी उन्होंने चावल डाल दिए हैं, चने भी डाल दिए हैं, एक्स्ट्रा भी आप चने ले सकते हो। ऊपर सैलड वगैरह, मूली, गाजर चल रही है, सर्दियाँ तो चल रही है, और खट्टा डाला उन्होंने स्पेशली अपना, तो बहुत ही बढ़िया। वैसे भी आप किसी से भी अमृतसर में पूछोगे ठंडी खुई वाले चावल छोले वाले कहाँ पर हैं, तो आपको बड़ा ही ईजी से हर कोई बंदा बता देगा। देखिए लक्कड़ का चमचा दिया है और नीचे कागज लगा के दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्होंने अपनी जो है सर्विंग की है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और चावल छोले खाने का तो मज़ा ही अलग है, और गर्मा गर्म चावल और छोले, और बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल वाकई में भैया जैसे बता रहे थे बिल्कुल बराबर डला हुआ है। बहुत ही दोस्तों अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी।
तो कभी भी आप अमृतसर आएँ तो उनको कभी भी मिस ना मत करना, इनके चावल छोले आप जरूर खा के जाना। आपको यहाँ पर और भी वैरायटी मिलेगी, जैसे मट्ठी चने मिलेंगे, सूखे कुलचे साथ में चने मिलेंगे, और बीघा कुलचा तो इनका जो फेमस है ही है ना। तो कभी भी आप अमृतसर आएंगे, अमृतसर से हो तो इनके जो चावल छोले जो है खा के जरूर जाना। सुबह ये 8 बजे आ जाते हैं और शाम के 4:30-5 बजे तक इनके बज जाते हैं, तो काफ़ी मतलब रश होता है। दोपहर को तो इनके पास बहुत रश होता है, इनसे बात नहीं कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।